परासिया में भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस किसान के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी ने किसान बिल को किसानों और कृषि क्षेत्र के हित में बताया है। परासिया भाजपा कार्यालय में पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया ने कांग्रेस के ऊपर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया व कांग्रेस को दलाली करने वाली पार्टी बताया। बाबरिया ने कहा, मोदी सरकार हमेशा की तरह देश हित व किसानों के पक्ष में है, पर दूसरे राजनीति दल सिर्फ भ्रम फैलाने में लगे हैं, जैसे शाहीन बाग में सीए को लेकर भ्रम फैलाया गया था। उसमें व्यापारी के बने भ्रांतियां फैलाई जा रही कि अगर ये कानून जो है लागू हो जाएगा तो उसमें मंडी उनकी उत्पादक अनाज है वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगी, जबकि इससे इसको फ्री रखा गया है, वो मंडी भी बेच सकता है, बाहर ही बेच सकता है। और उसके साथ एक बड़ी बात यह है कि 1000 मंडी लगभग हमारे पूरे देश में संचालित हो रही हैं, वो मंडियां संचालित होती रहेंगी, लेकिन मंडियों को बंद करने की सरकार की मंशा नहीं है। अगर बिल आया है तो उसका क्या परिणाम आता हो तो देखते हैं भाई। अगर मान लो बिल गलत होगा या किसान के लिए अहित वाला होगा तो परिणाम खराब आते, और परिणाम खराब आते तो किसान अपने आप आगे इनके साथ उस तरीके का व्यवहार करता। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।